हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का श्रेयस टाइम। दोस्तों, बहुत सी कमेंट्स आती रहती है कि सर आप जो है फंसा के कैसे लड़ाते हैं। तो देखिए, कोई आदमी पतंगबाजी में 100% नहीं है, क्योंकि ये पतंगबाजी कंप्यूटराइज नहीं है, ये हाथ का गेम है। किसी का हाथ सिलो चल गया, किसी का हाथ जो है चुटकी टाइट हो गई, किसी की लो हो गई, इसमें पतंग कट जाती है और काट भी लेता है। तो इसमें बस ये कि पेच मालूम रहना चाहिए कि ये पेच किस तरह से मजबूत होती है और किस तरह से कमज़ोर होती है, बस ये चीज़ को मालूम रहना चाहिए। उसके बाद बहुत आसानी के साथ आप जो है पतंग लड़ा सकते हैं। अगर आपको कमज़ोरी का नहीं पता रहेगा तो होशियार वो भी है और होशियार आप भी हैं। तो इसमें होता है कंपटीशन, कभी वो काट देगा, कभी एंड में आप देखिए मैच होता है कि ड्रा हो जाता है। तो खैर, हम जो है एक आध दो पेच आपको बताते हैं जो आप लोगों के शायद हेल्पफुल हो। तो आप लोग आइए देखते हैं जो पेच जो है फंसा के लड़ाते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं पेच। जब हम लोग दो पतंग को उड़ाते हैं, आप देखिए इसमें अलग अलग है कलर, एक भूरा कलर एक वाइट है। तो कभी भी जब हम लोग जब इस तरह से ऊपर नीचे हम लोग जब होते हैं तो आप देखिए दोनों का किरास हो गया, आप देखिए किरास बन गया, यानी अगर हम जो है इस डमी के हिसाब से देखें तो जब हम दोनों घुसे तो किरास हो गया, ठीक है। अब किरास में एक बंदा होता है कि अगर ये सही हो जाती है तो वो क्या करता है, इसे एकदम अंदर घुसता चला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो है बंदा ले आके और अपने हवा पर ले आता है और हम जो है घुसते ही चले जाते हैं, ठीक है, घुसते ही चले जाते हैं। और ये चक्कर दे के, और यहाँ पे देखिए पहले यहाँ थी तो बेहवा थी, अब यहाँ ले आया तो ये अपनी जगह पे आ गई हवा, हम चले गए बेहवा पे। अब जैसे ही जो है अंदर की तरफ वो घुसता जा रहा है और ये हवा पे ला के इसे डुबो के रख के और चक्कर देने लगा, और हम यहाँ पे अगर पकड़ के खींचते हैं तो चूँकि वो डुबो के यानी फंसा के यानी रख दिया है चक्कर उस पर, यानी फंसी हुई पेच हो गई कि यानी रखा हुआ है, तो ये समझ लो उसमें डोर टच है। डोर टच ना यानी फंसी हुई है वो, और एक फंसना अलग होता है, एक ये भी समझ लो कि डोर टच करना ये भी एक हिसाब से यानी कि जो है फंसाने में नहीं आती है डोर टच में। तो ये तो हो गया, चलो घुस के जो है हम चले आए हैं बेहवा पे, और हवा पे रख के उसने क्या किया, रख दिया, और हम सोचा कि ला इसको अगर हम चढ़ा के फंसाते हैं, ठीक है, मान लिया कि चलो अगर हमने नहीं खींचा और हम घुस के आ गए, अब उसने जैसे ही इसे डाउन किया, अब हमारा मामला ये हुआ कि हम उसको खींच नहीं सकते क्योंकि उसने ऐसे करके डोर को रख दिया। अब यहाँ पे पतंग फंस गई तो यहाँ पे कौन काटेगा, ठीक है, ये फंसाने ही वाली पेच है, क्योंकि अगर खींचते हैं तो वो फंसाने वाली नहीं होती। और अगर हम यहाँ पे ऐसे यहाँ से यहाँ चढ़ के आ गए और ये पहले तो यहाँ पे आया, यहाँ से आके फिर यहाँ पे आया, हवा पे ला के यहाँ डुबो दिया, डुबो के जब ये रखेगा अंदर का चक्कर देगा, हम जैसे ही चढ़ा के चक्कर देंगे तो इसकी एकदम स्ट्रांग डोर है हमारी, देखिए किरास पे होगी उसकी सीधी है, यानी हम यहाँ से यहाँ घुस गए हैं। तो ये क्या हुआ, ये एकदम बेहवा पे चलेगा, अगर हम चढ़ाते हैं जैसे ही वो रख के अगर वो चक्कर देता है तो हमारी ही कटेगी, हमारी ही पतंग कटेगी, इसलिए कि उसका बहुत स्ट्रांग है। अगर वो यहाँ पे चढ़ा रहता, यहाँ पे चढ़ा, जैसे आप ये साइड घुसे और ये यहाँ साइड घुस गया और फिर आप चढ़ाते हैं तो यहाँ पे फिर मंझे का कमाल जब दिखता है कि किसका मंझा अच्छा है, दोनों की बेहवा पे है, जिसका मंझा मजबूत होगा अच्छा होगा वो आदमी काट देगा, क्योंकि दोनों ही हम एक दूसरे की तरफ चढ़ चुके हैं। और चढ़ के उस पर रख के हमने जब ऐसे करके चक्कर दिया, उसने चढ़ा के अंदर का चक्कर दिया, तो यहाँ पे मंझे का कमाल होता है और जिसकी थोड़ी सी भी अगर भारी है तो वो काट लेगा, ठीक है। लेकिन हमेशा जब भी पतंग लड़ाइए देखे तो आप पतंग को अंदर गए और ये भी अंदर गया, जो फंसाने वाली होती है जो कम से कम 500 के ऊपर ही चली जाती है, तो फंसा के तो फिर हम इस पतंग को चक्कर दे के फिर इधर लाएंगे हवा पे, और वो भी होशियार है सीनियर खिलाड़ी, तो वो भी ऐसे करके जाएगा और जाने के बाद आपको पूरा ना मार के ले जाएगा, वो ले के ऐसे चलते हैं, चलने के बाद में, और ये वाला भी ऐसे करके खींच के आएगा और वो ऐसे चले गए, यानी वो ऐसे चले गए और वो इधर पतंग को निकालते हुए ऐसे निकाल के इधर ले आए, यानी एक दूसरे में समझ लो ऐसे करके कटिया फंस जाती है।
और फिर जो है इसमें क्या होता है दोस्तों, जब दोनों कटिया ऐसे करके फंस गई मान लिया, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला मान लिया अगर ये भी हवा पे, आप भी हवा पे हैं, और ऊपर वाला ऐसे करके चक्कर देता हुआ, डोर देता हुआ जा रहा है, चूँकि हवा पे और आप भी डोर देते हुए, दोनों अगर बराबर की डोर जा रही तो अभी कोई नहीं कटेगा। अब ये बल देता 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 ऊपर वाले की हमेशा पतंग क्या होता है कि नीचे की तरफ चलती चली जाती है, और उसी को संभालने में पतंग उसकी जो है, और यहाँ पे भी फिर गेम जो है मंझे का हो जाता है, किसका मंझा मजबूत है, किसका मंझा जो है टिकने वाला है, और फंसाने में हमेशा थोड़ा सा धार और थोड़ा सा चिकना यानी 50-50 वाला जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से पतंग ऐसे करके नीचे चली जा रही है, और इसने ऊपर चढ़ा के हवा पे रख के अंदर का बल दिया, और ये भी बल देता चला जा रहा है, बल देता चला है, काफ़ी जब डूब जाती तब वो संभालता है, और वही संभालने में चली जाती। तो इसमें संभालना कैसे है ये भी देख लें कि अगर मान लिया कि हमने ये रखा और ये कटिया फंसा के चले आए, ठीक है, कटिया फंसा के आ गया, और वो फिर फंसने के बाद में समझ लो, क्योंकि इसमें हम इस तरह से नहीं समझा पा रहे हैं, ऐसे आए और ऐसे ये घुसे, घुसने के बाद में ये इधर चला गया और ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे करके सीधा कर लिया, और ये वाइट वाला ऊपर से एक हिसाब से हो गया। जब ये कटिया फंस गई तो ये ऐसे ही चक्कर देता हुआ नीचे चला जा रहा है, जब ये नीचे अगर ये ऊपर हो गई बाएं तरफ वाली, ये अंदर का दे रहा है, ये भी चक्कर दे रहा है अंदर का, दोनों बराबर से दे रहे हैं, ठीक है। तो पतंग को आप देखिए दोनों बराबर है ऊंचाई, लेकिन ये चक्कर देते देते ये वाले की ऊपर हो गई और हमारी नीचे हो गई वाइट वाली, तो हम यहाँ पे बस जब ऊपर ही रहे तो ऊपर से ही नीचे नहीं जाने दें, ऐसे करके चक्कर दें और चक्कर दे के दो बार, और फिर पतंग को ऐसे ऐसे थोड़ा लहरा के एक, अगर दो चक्कर दे के नीचे चली गई तो बस एक चक्कर ऐसे दीजिए और फिर ऐसे लहरा के एक मुट्ठा ऊंचा करिए, फिर बल दीजिए ऐसे करके, और बहुत टाइट नहीं, मीडियम जोर है, और ये तो खैर दे ही रहा, तो इसमें फिर मंझे का कमाल है, जिसका मंझा मजबूत होगा वो काट लेगा। लेकिन अगर किसी की पतंग ऐसे डूब गई, ठीक है, और या ये वाले की अगर कहीं पास हवा कम खाई और या चुटकी रोका तभी पतंग कटती है, ठीक है। तो मेन मकसद होता है कि आपको अपनी पतंग हवा पे रखना, और पतंग आपकी ऐसे करके डूबने ना पाए, अगर इतनी डूब गए फिर आप संभालोगे तो वो पतंग जो है संभालना मुश्किल होता है, कट जाती है अक्सर। तो पतंग हमेशा हवा पे रखना है, और रख के अंदर की बल दीजिए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे, पतंग ऐसे नहीं जाने दीजिए एकदम नीचे, पतंग ऊपर ही ऊपर ऐसे दो चक्कर दे के ऐसे लहरा के इस तरह से ऊपर करिए, फिर बल दीजिए अंदर का, फिर डोर दीजिए, जब डोर थोड़ा दीजिए तो फिर ऐसे लहरा के फिर ऊपर हल्का सा करिए, उसको गिरने ना दीजिए पतंग, और देखते भी रहिए कि अगर हमारी पतंग बेहवा की तरफ है तो ऐसे लहरा लहरा के उसको हवा की तरफ पिलाइए, हवा पिलाना बहुत ज़रूरी रहता है, और पेच जो है फंस के हवा पे ही लड़ती है। तो उम्मीद है कि कुछ पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए ZH Style में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।